में आई। कुछ उसी तरह इस बार भी एक नारा दिया गया है, मोदी का परिवार, क्योंकि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी की और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ अब बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं। परिवारवाद की पिच पर मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने 24 का चुनावी एजेंडा ही बदल दिया। लालू यादव की टिप्पणी पर पीएम मोदी ने ऐसी प्रतिक्रिया दी, परिवारवादी सोच की हवा निकल गई। और फिर जो तस्वीर देश के सामने आई वो कुछ ऐसी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर बायो बदल लिए और साफ साफ शब्दों में लिख दिया, मोदी का परिवार। ये उस सियासी बयान का रिएक्शन है जिसे बिहार में बोया गया, जिसे महागठबंधन ने जन्म दिया, जिसके दम पर परिवारवाद को बढ़ावा देने की कोशिश हुई। लेकिन मोदी के एकमात्र जवाब से विपक्ष का पूरा गेम ही खराब हो गया। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। न सिर्फ लालू यादव ने पीएम मोदी का अपमान किया बल्कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता परिवारवादी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश में जुट गए। लेकिन उन्हें क्या पता ये परिवारवाद अपने ही जाल में फंसने जैसा है, क्योंकि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया, जिसके जवाब में बीजेपी ने मैं भी चौकीदार अभियान से चुनावी परिणाम ही बदल दिए। तो लालू ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर टिप्पणी की, जिसके जवाब में अब मोदी का परिवार सोशल मीडिया पर तैरने लगा है। बीजेपी मैं भी चौकीदार के बाद अब नया नारा दे रही है, मोदी का परिवार, जिस पर वार और पलटवार दोनों हैं। देखिए, परिवार में बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए, बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वो वोट नहीं मांगेंगे। इन सब का लक्ष्य है कि 2047 तक यदि इनकी पार्टी रहे तो इनके परिवार के हाथ में सत्ता रहनी चाहिए और यदि सत्ता मिल जाए तो सारी अर्थव्यवस्था इनके परिवार की मजबूत होनी चाहिए। मोदी जी का लक्ष्य है भारत विकसित प्रखर होकर आना चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं ना, हम रहे ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। यानी ये तो तय है कि बीजेपी अब 24 का एजेंडा देश के सामने रख चुकी है, जिसमें एक तरफ परिवारवाद है तो दूसरी तरफ मोदी का परिवार, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट मिला लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह भी सामने आई।
लेकिन अब पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने पर राजनीति शुरू हो चुकी है। वहीं अब आसनसोल सीट पर अक्षरा सिंह के नाम की चर्चा हो रही है। ऐसे में एक बार फिर आसनसोल सीट सुर्खियों में है। आसनसोल पवन सिंह, सब भैया चाचा माई बहन के हम पवन सिंह पैर छू के प्रणाम करत नहीं। पश्चिम बंगाल की वो सीट जहां बिहारियों का दबदबा है, जहां से बिहारी बाबू सांसद हैं, उस सीट पर बीजेपी का पहला दांव फेल हो चुका है। पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से भले ही प्रत्याशी बनाया हो, लेकिन वो अपना नाम वापस ले चुके हैं। अध्यक्ष जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। अब ये समय बताएगा, थोड़ा चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे, अभी थोड़ा होल्ड रखिए। पवन सिंह ने जैसे ही आसनसोल सीट से पैर खींचा, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। इंडी गठबंधन के तमाम नेता बीजेपी पर ही हमलावर हो गए और टिकट बंटवारे की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने लिखा, किसने सोचा था कि बीजेपी के ऐसे दिन भी आएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले कुछ और काम को ज्यादा जरूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। लेकिन इस गंभीर मसले पर हल्की बयानबाजी भी हो रही है और टीएमसी पश्चिम बंगाल में पवन सिंह के खिलाफ मुहिम छेड़ चुकी है। अच्छा आदमी है, अपना बच्चा है, परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूँ? नहीं, देखिए ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है। भाजपा के पास प्रत्याशियों की कहीं कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लोग राज। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब तक 51 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जबकि 24 उम्मीदवारों के टिकट अभी होल्ड पर हैं, जहां बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि जिस तरह बीजेपी ने इस बार सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है, उससे तय है बीजेपी सेफ खेलने के मूड में है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को। और अब की बार 400, फिर एक बार मोदी सर। मूड है वो कंट्री का, पूरी का ही सेट हुआ हुआ है मोदी जी के पक्ष में। 400 पार होंगी मोदी जी, माननीय मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और सब इसके लिए समर्पित है। राम लहर पर सवार बीजेपी ने यूपी में सेफ खेलने की रणनीति बनाई है। कई सांसदों के खिलाफ मौजूदा नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने टिकट दिए हैं और 80 में 80 का लक्ष्य को साधने की रणनीति बनाई है। चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार। यूपी में अभी 51 उम्मीदवारों की ही घोषणा की है, जबकि 24 उम्मीदवारों के टिकट अभी होल्ड पर हैं। इन क्षेत्रों में प्रत्याशियों के बदलाव की संभावना है, जैसे वरुण गांधी की पीलीभीत सीट हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की बदायूं सीट, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट हो या मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट। इन पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के ऐलान को फिलहाल रोक दिया है, यानी पार्टी यहां अपने उम्मीदवार बदल सकती है। 24 सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए पीलीभीत की, तो पीलीभीत की सीट वरुण गांधी वहां से सांसद हैं, यह सीट होल्ड पर है। इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से बदायूं से सांसद हैं। ऐसे में अब बदायूं की सीट भी होल्ड पर है, सुल्तानपुर की सीट होल्ड पर है, बरेली की सीट होल्ड पर है। चर्चा यह है कि इन 24 जो सीटें होल्ड पर हैं लोकसभा की, इनमें कई सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने की चर्चाएं तेज हैं। दरअसल बीजेपी ने यूपी में 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इसमें वो कोई खलल नहीं चाहती है। इसको देखते हुए जातीय समीकरण को भी सेट किया गया है। बीजेपी ने इन 51 उम्मीदवारों में पिछड़ा कार्ड खेला है, जिसमें 21 पिछड़ी जाति के उम्मीदवार हैं, 12 अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार हैं, ब्राह्मण 10, 7 ठाकुर। पिछड़ी बिरादरी में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 4-4 उम्मीदवार लोधी और कुर्मी बिरादरी से उतारे हैं। 3 जाट, 2 गुज्जर, 1 कुशवाहा, 1 कश्यप, 1 यादव,
दो निषाद, एक सैनी और एक गुप्ता बिरादरी को बीजेपी ने अपने इन 51 उम्मीदवारों में जगह दी है। काल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, पूज्य महाराज जी के संगठन के आशीर्वाद से हमने दोबारा गोरखपुर गोरखनाथ बाबा की धरती में छाव लेके सेवा करने का मौका दोबारा मिला था। आभार महाराज जी, दिल से धन्यवाद। और देवपुर जनता के धन्यवाद कि जब भी सर्वे के लोग आपके पास आए, चैनल वाले आए, संगठन के लोग आए, तो पूरा गोरखपुर में जहां भी सर्वे भई, सब पहले श्री रविकिशन चाहिए हमको। आज वास्तव में पार्टी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने काम किए हैं, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश और मैं कहूंगा मेरी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के क्षेत्र में 1,00,000 करोड़ से अधिक के काम मेरी इस लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। और वक्त एक ब्रेक का।